आपके साथ शेयर करने वाली हूँ नेक्स्ट फाइल, ठीक है, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी से रिलेटेड। तो इसमें जो हमें फाइल दी गई थी, इसमें बेसिकली हमको 10 डेफिनेशंस, मतलब टॉपिक्स दे दिए गए थे, उनके ऊपर हमको डेफिनेशंस लिखनी थी, ठीक है, उनके बारे में लिखना था एक पेज में। तो यहाँ पे जो फर्स्ट हमें हेडिंग दी गई थी वो है जेंडर, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं जेंडर के बारे में। वीडियो को पॉज कर करके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक था हमारा सेक्स, क्या होता है, ठीक है। तो बेसिकली जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी में सेक्स और गोनेट्स पे भी डेफिनेशन जो है क्या होते हैं, इनमें डिफरेंस भी पूछा जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही था। थर्ड था जेंडर स्टीरियोटाइप्स। फोर्थ था जेंडर आइडेंटिटी। तो आप वीडियो को पॉज कर करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है जेंडर इक्वालिटी। तो बेसिकली इसी तरह की हमारी फाइल दी गई थी, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स दिए गए थे, फिर उसके बारे में आपको लिखना था। आप अपनी बुक से इसके बारे में नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक था जेंडर बायस, क्या होता है। तो जो भी आपको इसके बारे में पता है एक पेज में, इस तरह से अगर आपको भी यही फाइल मिलती है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। मस्कुलैरिटी नेक्स्ट है इसमें। डेफिनेशन जितना भी आप एक पेज में लिख पाए उसके बारे में उतना लिखिए। तो यहाँ पे इश्यूज लिखे गए हैं, मैंने इस इश्यूज को भी यहाँ पे कवर किया है मस्कुलैरिटी के। नेक्स्ट टॉपिक था सेफ्टी मेजर्स एज स्कूल इन रिलेशन टू सेक्सुअल हैरेसमेंट, कि किस तरह के सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए स्कूल में सेक्सुअल हैरेसमेंट से रिलेटेड, ठीक है। और अगर आप टीचर हैं तो किस तरह की सेफ्टी मेजर्स करने चाहिए, ये भी लिखना है इसमें। सो ये कुछ टॉपिक्स थे जो हमें दिए गए थे फाइल बनाने के लिए। आई थिंक आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।